पर्वत देवी नंददेवी का मंदिर उनके व्यवहार से आहत होकर कहा जाता है कि देवी देवताओं ने कठोर आसन के रूप में गेंदे फेंकी हैं, कुछ हड्डियों में आघात के संकेत हैं, जो गोल वस्तु से टकराने के साथ संगत है। कोई हथियार नहीं मिला था, लेकिन धार्मिक गहने और कपड़ों के टुकड़े कंकालों का मिश्रण थे। पुरुषों, महिलाओं और अच्छे स्वास्थ्य, युद्ध और महामारी में बच्चों की संभावना नहीं थी। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि मृत संभवतः दक्षिण एशियाई मूल के तीर्थयात्री थे, जिनकी 9वीं शताब्दी में मृत्यु हो गई थी। हालांकि हाल ही में 38 कंकालों के डीएनए नमूने से पता चला कि वे 3 आनुवंशिक रूप से अलग समूहों से आए थे। 14वें पूर्वी भूमध्यसागरीय उत्पत्ति थी। इसे पहली और दूसरी शताब्दी के बीच के क्षेत्र में एक ग्रीको इंडो साम्राज्य के अस्तित्व से समझाया जा सकता है। हालांकि कार्बन डेटिंग ने निष्कर्ष निकाला है कि इस अवधि से कोई भी हड्डी इस अवधि से नहीं है, जो दक्षिण एशियाई वंश के साथ विभिन्न घटनाओं की तारीख से है। 7वीं-10वीं शताब्दी के बीच, जबकि भूमध्यसागरीय उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की एक घटना से होती है। अंतरंग अंतर यह भी सुझाव देते हैं कि मृत्यु के कारण भिन्न थे। यह संभव है कि झील वास्तव में एक स्थायी कब्रिस्तान था, जो हड्डियों की विविधता की व्याख्या करेगा। ड्रूक पॉइंट के कंकाल हर साल बसंत के आगमन के साथ आते थे। जमी हुई झील एक बार फिर पिघल जाती है, हड्डियों को प्रकट करती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति नहीं होती। अभी के लिए कंकाल झील का रहस्य आप पर कायम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।